हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आया हूँ वो है गर्ल्स के काम से रिलेटेड। मेरे पास कुछ लड़कियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, हम जब काम में जाते हैं तो लोगों का हमारे काम में इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि हमें इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला जो मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम प्लान करते हैं किसी को भी तो लोगों का इंटरेस्ट प्लान में ना होकर हमें होता है। माय डियर फ्रेंड, ये जो ओछी मानसिकता हमारे देश के अंदर है, शायद यही रीज़न है कि हमारे देश में जो गर्ल्स स्टार हैं, फीमेल स्टार हैं, वो कम है। लेकिन यदि हम उनका समर्थन करें तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। आखिर इंदिरा नोई जैसे एग्जाम्पल क्यों कम है? आखिर कल्पना चावला जैसे एग्जाम्पल क्यों कम है? आखिर इतने सारे लोग, जब आज पूरे विश्व में यंगेस्ट अरबपतियों की लिस्ट में एक लेडी का नाम आ रहा है, वहां पे हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को इतनी गंदी नजरों के साथ क्यों देखा जाता है? क्यों नहीं उनका उत्साह वर्धन किया जाता? क्यों नहीं उनको मोटिवेट किया जाता कि हम वो बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? क्यों उनकी सक्सेस से हमारे मन में एक अलग सी जलन होती है? आखिर ऐसा क्यों है कि हम उनके काम को सपोर्ट ना करके हम उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? माय डियर फ्रेंड, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की संख्या लगभग 50% है, और जब तक हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक नारी आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम एक बहुत बड़ी संख्या को दुखी कर रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आप यदि अपने आप को इंसान मानते हैं, यदि अपने आप को पुरुष कहने का यदि गौरव आपको प्राप्त है, तो असली इंसान वही होता है जो महिलाओं की इज्जत कर सके, उनका समर्थन कर सके, उनके आगे बढ़ने में मदद कर सके। माय डियर फ्रेंड, पता नहीं कैसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं हमारे अंदर का इंसान ही मरने लगा है। हम सेल्फिश हो चुके हैं। हमें अपनी सिस्टर तो अपनी सिस्टर लगती है, लेकिन दूसरों की सिस्टर हमें सिस्टर नहीं लगती। हमें अपनी मदर अपनी मदर लगती हैं, लेकिन दूसरों की मदर को हम गलत नज़रों से या सिस्टर को गलत नज़रों से देखते हैं। हम कितने सेल्फिश हो चुके हैं। एक वही बात समझ में आ रही है मुझे जब इस माहौल को देखता हूँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आखिर कब तक सेल्फिश बन के हम इस सोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ जीते रहेंगे? मानसिकता को तो सुधारना होगा। यदि देश को सुधारना है तो यदि हम अपनी मानसिकता को नहीं सुधार सकते तो अपने देश को और अपनी सोच को नहीं सुधार सकते। माय डियर फ्रेंड, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाएं स्वतंत्र होकर काम करना शुरू करती हैं तो पता नहीं हमारी सोच को क्या हो जाता है। जब हम किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं गया था अपनी कार लेने के लिए, तो मैंने देखा था जब मैं टेस्ट ड्राइव में जा रहा था तो जो एम्प्लॉयज थे वो अपने को वर्कर के लिए गलत बातें कर रहे थे, उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे। माय डियर फ्रेंड, आप एक क्राइम कर रहे हैं यदि किसी महिला के साहस को खत्म कर रहे हैं, उनके मनोबल को खत्म कर रहे हैं। कल की डेट में यदि आपकी सिस्टर के साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको शायद सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब तक हम एक इज्जत के भाव से सिस्टर्स को नहीं देखेंगे, महिलाओं को नहीं देखेंगे, तो एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं हमारा मानसिक स्तर कितना गिर चुका है। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसका हम गलत यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड, स्त्री भी हम सबकी तरह इंसान है। ये स्त्रियां, ये लड़कियां भी इतिहास रच सकती हैं, और हमारे देश में इतिहास रचे गए हैं। इनको मौका दीजिए आगे बढ़ने का, इनकी संख्या ज्यादा होने दीजिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बुरी नजर रखने वालों का अंत हुआ है। चाहे आप देखेंगे पुराने जमाने में के अंदर, जब द्रौपदी के ऊपर कौरवों ने नजर रखी बुरी, तब उनके कुल का नाश हो गया। जब रावण ने सीता मां पर बुरी नजर रखी तो उसके साम्राज्य का, उसके कुल का पतन हो गया। माय डियर फ्रेंड, आज भी कई एग्जांपल निकलते हैं आशा राम राम रहीम की तरह, जिनका जीवन का पतन हो गया। माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, सही नजर रखिए, बेहतरीन दृष्टि रखिए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और जब वो उड़ेंगे, आप उड़ेंगे, तो उड़ान का मजा ही अलग होगा। माय डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।